देखिए फ्रेंड्स, कितनी टेस्टी मैगी बनकर तैयार है। प्लीज़ मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई आपके लिए बहुत ही इजी रेसिपी। आज मैं आपको टमाटर की मैगी बनाकर दिखाती हूँ। देखिए, हमने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर हम 1.5 गिलास पानी डालेंगे। देखिए, आधा गिलास पानी मैंने और ले लिया है, 1.5 गिलास पानी डालेंगे और इसमें एक बॉईल आने तक इसको पका लेंगे। देखिए, पानी के अंदर बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे। जितनी आपको स्पाइसी मैगी रखनी है आप उतने उस हिसाब से हरी मिर्च इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर फ्रेंड्स हम एक प्याज डालेंगे, बारीक कटी हुई चॉप्ड। अच्छे से चलाएंगे। अब हमें एक टमाटर काट डाल देना इसके अंदर। इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे। अब इसके अंदर हम एक मैगी मसाला डालेंगे। इसको 5 मिनट के लिए पकाना है। टमाटर गल जाएंगे, प्याज हो जाएगी हमारी। 5 मिनट इसको पका लेंगे। देखिए, इसको पकते हुए 4-5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें मैगी ऐड करेंगे। मैगी डाल देंगे इसके अंदर। हम इसको इसमें इस तरह से, इसके अंदर हम 1 चम्मच टमाटो सॉस ऐड करेंगे। टमाटो सॉस का मीठापन हम बैलेंस करने के लिए 1 हरी मिर्च और डाल देंगे इसके अंदर। इसको अच्छे से पकाएंगे। कितनी यम्मी और कितनी टेस्टी मैगी बनकर तैयार होने वाली है हमारी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना। देखिए, कितने अच्छे तरीके से मैगी पक रही है। देखिए, हमारी मैगी बनकर अब बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और अपनी मैगी को सर्व करेंगे। चलिए, मैं सर्व करके दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, कितनी टेस्टी मैगी बनकर तैयार है। प्लीज़ मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।